इंडिया न्यूज हरियाणा में आपके साथ तरन्नुम जहान शेख। सुपरफास्ट की शुरुआत करेंगे हम। देशभर में कोरोना वायरस महामारी के मामले में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। देश में 24 घंटे में 52,000 से ज्यादा नए केस आए हैं सामने। 514 मरीजों की जान चली गई है। 60,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए हैं। महाराष्ट्र में हालत सबसे ज्यादा खराब है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 49,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। 277 मरीजों ने तोड़ा दम, जबकि 37,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। दिल्ली में भी एक बार फिर कोरोना फेस पसारता नजर आ रहा है। राजधानी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 35,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। 10 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 1900 से ज्यादा मरीज मिले। 10 मरीजों ने तोड़ा दम। अब एक्टिव केस 11,000 से ज्यादा। सबसे ज्यादा केस गुरुग्राम और फरीदाबाद से मिला। गाजीपुर बॉर्डर किसान नेता राकेश टिकैत पर हुए हमले को लेकर पंचायत बुलाई गई है। इसमें कृषि कानूनों का विरोध तेज करने पर फैसला लिया जा सकता है। ईएनबीए अवार्ड्स में इंडिया न्यूज हरियाणा का जलवा। इंडिया न्यूज हरियाणा को मिले 4 अवार्ड। जन सरकारों से जुड़ी खबर दिखाने के लिए मिला ये अवार्ड। इंडिया न्यूज हरियाणा को बेस्ट न्यूज कवरेज का अवार्ड मिला है। बेस्ट कवरेज ऑन ट्रेवल सेक्टर का अवार्ड भी मिला है। सूरजकुंड मेले पर विशेष कवरेज का भी मिला है अवार्ड। डिटेल में कोरोना का डाटा दिखाने का मिला है अवार्ड। बेस्ट कैंपेन फॉर सोशल काउज का अवार्ड भी मिला है। बेस्ट इन डेप्थ सीरीज पर फॉर रीजनल चैनल का अवार्ड मिला है। इनेलो महासचिव अभय चौटाला ने उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को चैलेंज करते हुए कहा है कि दुष्यंत पानीपत और हिसार में प्रोग्राम करते हैं, अगर दम है तो उपचुनाव में करके दिखाएं। किसान आंदोलन पर अभय चौटाला ने कहा कि राकेश टिकैत पर हमला और किसान नेताओं की गिरफ्तारी बीजेपी की ओछी मानसिकता है। किसान संयम से काम ले रही है और सही, ये सबसे बड़ी बात है। अभय चौटाला ने कहा है कि हमला करके और ये किसी की जान लेकर आंदोलन को खत्म किया जा सकता है। अभय चौटाला ने कहा कि आंदोलन हमलों से नहीं, बातचीत से खत्म होगा। फतेहाबाद में बीजेपी विधायक और सांसद के बीजेपी कार्यालय में पहुंचने की सूचना पाकर किसानों ने बीजेपी कार्यालय का घेराव किया है। किसान बीजेपी कार्यालय के बाहर काले झंडे लेकर पहुंचे। किसानों ने बीजेपी कार्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी की है। किसानों का कहना है कि किसान नेता राकेश टिकैत पर बीजेपी के इशारों पर हमला हुआ है। करनाल में मंडी मार्केट कमेटी ऑफिस गेट पर किसानों की लाइन लगाई गई है। सैकड़ों किसानों ने मंडी गेट पास और मैसेज का विरोध किया है। जाम को देखते हुए ऑफिस का गेट बंद कर दिया गया। किसानों ने कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन को तेज करने के लिए अब दलितों को भी आंदोलन के साथ जोड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। इसी के तहत भाकियू ने शाहबाद में दलित और किसान महापंचायत बुलाई है। महापंचायत में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुलाने के लिए गांव में प्रचार अभियान चलाया गया। किसान नेता गांव में दलितों के पास पहुंचे और इन्हें भी महापंचायत के लिए न्योता दिया गया। राजस्थान के अलवर में किसान नेता राकेश टिकैत के काफिले पर हमला हुआ है। टिकैत ने वीडियो ट्वीट कर बीजेपी कार्यकर्ता पर आरोप लगाया है। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने किया प्रदर्शन। अलवर में किसान नेता राकेश टिकैत के काफिले पर हुए हमले में पुलिस ने 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि मत्स्य यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कुलदीप यादव के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया। जांच अधिकारी ने बताया कि ये लोग काले झंडे दिखाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इनमें से ही किसी ने
टिकैत की गाड़ी पर हमला किया और पथराव किया। इससे पूछताछ जारी है, बाकी जो भी होगा गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हमले को लेकर राकेश टिकैत सीधे सीधे बीजेपी पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं और कहा कि किसानों का यह आंदोलन खत्म होने वाला नहीं है। मामले में राजनीति भी तेज हो गई है। बीजेपी ने हमले को लेकर प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी सांसद चांदनाथ ने कहा है कि इस हमले से उनकी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। किसान नेता राकेश टिकैत पर हुए हमले के विरोध में चरखी दादरी में खापो समाज संगठन और किसान के प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार का पुतला फूंका। इस दौरान चरखी दादरी से विधायक सोमवीर सांगवान ने भी विधायक सोमवीर सांगवान ने हमले के आरोपियों को सख्त सजा देने की मांग की है। स्वच्छ फरीदाबाद सुंदर फरीदाबाद के मुद्दे पर नगर निगम कमिश्नर यशपाल यादव ने नगर निगम के सभी अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में कचरा निस्तारण को लेकर चर्चा की गई। नगर निगम कमिश्नर ने माना कि शहर में मौजूदा समय में कचरा निस्तारण सबसे बड़ी समस्या है। 40% घरों के कचरे को ही घर घर जाकर इकट्ठा किया जा रहा है। निगम कमिश्नर ने कहा कि मौजूदा समय में 230 वाहन और 450 से ज्यादा वाहनों की इस वक्त जरूरत है। सभी 40 वार्डों में अलग अलग अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है। अंबाला में पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में लगे जनता दरबार में गृह मंत्री अनिल विज ने जनता की समस्याएं सुनी। इस दरबार में ज्यादा समस्याएं पुलिस विभाग से थी। अनिल विज ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि लोग अपनी तकलीफों को लेकर जनता दरबार में आते हैं और हम कोशिश करते हैं कि उनकी समस्याओं का हल हो सके। गुरुग्राम के नागपुर में बनी झुग्गियों में आग लग गई है। इससे 400 से ज्यादा और झुग्गियों में आग लग गई है और ये जलकर खाक हो चुका है पूरी तरीके से। झुग्गियों में रखे सिलेंडर में आग लगने से ब्लास्ट हो गया है और फिर आग फैलती चली गई। दमकल विभाग ने वक्त रहते आग पर काबू पा लिया। 18 मार्च को सोनीपत में हुए गैंगवार में CIA2 को कामयाबी मिली है। टीम ने एक और बदमाश को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार बदमाश अमित रोहतक का रहने वाला है। कोर्ट परिसर में बदमाश पर पुलिसकर्मी ने गोलियां चलाई तो गांव बरोना में स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने उसके बाप को गोली से भूनकर मौत के घाट उतार दिया। CIA पहले ही वारदात के मुख्य सरगना को गिरफ्तार कर चुकी है। आरोपी से क्राइम ब्रांच की टीम ने स्कॉर्पियो कार और बुलेट प्रूफ जैकेट बरामद किए। इसी स्कॉर्पियो कार में सवार होकर बदमाश ने कई वारदातों को अंजाम दिया है। मिट्टी सत्याग्रह यात्रा सिरसा पहुंची और गुरुद्वारा में विश्राम किया। मेधा पाठक ने यात्रा में मौजूद सभी सदस्यों की बैठक ली और आगामी सफर को लेकर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने सभी सदस्यों में जोश भी भरा। यात्रा में मौजूद सभी सदस्यों ने किसान एकता जिंदाबाद और मिट्टी बचाओ देश बचाओ के नारे लगाए। गोहाना की अनाज मंडी में गेहूं की आवक शुरू हो गई है। मंडी सचिव ने कहा मंडी में गेहूं की फसल की खरीदारी के लिए इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। इसके अलावा कोरोना गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए व्यापारियों और स्टाफ कर्मचारियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि मंडी में पहुंचने वाले किसानों को सैनिटाइज और मास्क की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। सब्जी मंडी में उचित दाम ना मिलने से परेशान किसान खेतों में लगी सब्जी उखाड़ने को मजबूर हो रहे हैं। रतिया के गांव अलीका में किसान ने गोभी की तैयार फसल पर ट्रैक्टर चला दिया है और फसल नष्ट कर दी है।
किसान का कहना है कि मंडी में गोभी फसल से 2 रुपए किलो बिक रही है, जिससे खर्च भी पूरा नहीं निकल पा रहा है। खेत जोतने से लेकर मेहनत तक की खर्च पूरी तरह से नहीं निकल पा रहा है। कृषि मंत्री ने कहा है कि पार्ले बिस्किट जैसे कंपनियां मुर्गी और पशु चारा उत्पादन करने वाली कंपनियों से अब राज्य सरकार अपने अधिकारियों के माध्यम से बात कर रही है और इन उत्पादों में बाजरे की प्रयोग को लेकर कार्य किया जा रहा है। विभिन्न बिस्किट उत्पादक कंपनियां बेकरी, मिठाई उत्पादकों, मुर्गी पालकों और पशुपालकों से संपर्क कर बाजरे की खपत इन उत्पादों में प्रयोग करने के बारे में कार्य किया जा रहा है। कृषि मंत्री ने इसकी जानकारी दी है। जेपी दलाल ने कहा है कि धान जैसी अधिक पानी प्रयोग होने वाली फसल बोने की परंपरागत विधि को बदलने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि सहायता समूह और सरकार का उपकरण हैफेन के द्वारा बाजरे के विभिन्न प्रकार के बिस्किट और मिठाइयां बनाकर उन्हें हरियाणा के ब्रांड के रूप में विकसित किया जाएगा। कृषि मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने फॉर्म ऑल पर टैक्स बढ़ाया है, इसका प्रभाव सरसों की फसल से अधिक भाव देखने के रूप में साफ तौर पर मिल रहा है। सरसों का समर्थन मूल्य 4,650 रुपए है, जबकि बाजार में सरसों 5,100 से 6,000 रुपए प्रति क्विंटल बिक रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने ट्वीट किया है कि हरियाणा में कोरोना तेजी से फैल रहा है, हरियाणा वासियों से अपील है कि मास्क पहने और सामाजिक दूरी का पूरा पालन करें। कुमारी सैलजा ने लिखा कि वैक्सीनेशन के बाद भी लोगों में लक्षण देखा जा रहा है, सरकार कोरोना के रोकथाम के लिए जरूरी कदम उठा रही है। पूतला में सिक्योरिटी मानी के नाम पर बिजली बिलों में की जा रही है बढ़ोतरी के विरोध में लोगों ने हरियाणा वेयर हाउस के चेयरमैन और विधायक नयनपाल रावत को ज्ञापन सौंपा है और मदद की गुहार लगाई है। विधायक नयनपाल रावत ने लोगों को आश्वासन दिया है कि इसमें अगर कोई और प्रावधान होगा तो इसको लेकर मुख्यमंत्री से बातचीत की जाएगी। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते गोहाना में भी प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। एक बार फिर शादी समारोह या किसी और समारोह पर लगने वाली भीड़ पर पाबंदी लगाई जा रही है। एसडीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसी शादी या बाकी समारोह में 50 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। आयोजकों को समारोह के लिए एसडीएम ने अनुमति लेनी होगी। दो दिवसीय अरावली अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के दूसरे संरक्षण का उद्घाटन आईआईसीसी ने सभागार में हुआ है। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री श्री कृष्ण पाल गुर्जर सहित हरियाणा सीएम के मीडिया सलाहकार भी मौजूद रहे। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कृष्ण पाल गुर्जर ने कहा कि फिल्म एक ऐसा माध्यम है जो जीवन पर बहुत गहरा असर छोड़ता है। निकिता हत्याकांड मामले में कोर्ट के आदेश की कॉपी अब जाकर पीड़ित परिवार को मिली है, जो 121 पेज की है। कोर्ट ने तौसीफ और रिहाना को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अब निकिता के वकीलों का पैनल उसे आदेश की कॉपी का अध्ययन करने के बाद दोनों आरोपियों को फांसी की सजा के लिए हाईकोर्ट में अपील करेगा। करनाल की अनाज मंडी में गेहूं की खरीद भले ही प्रशासन की तरफ से शुरू हो गई है, लेकिन धरातल पर वो नजर नहीं आ रही है। बड़ी संख्या में किसानों ने मार्केट कमेटी के दफ्तर के बाहर दरी बिछाकर पंचायत के बिना मैसेज के गेट पर मांग की है।
किसानों की मांग है कि उन्हें बिना मैसेज के गेट पास दिया जाए और उनकी फसल को खरीदा जाए, जिसकी फसल काट कर तैयार हो उन्हें मैसेज नहीं गया। दफ्तर के सामने किसानों ने लंगर खाया और जमकर हंगामा किया। किसानों को लंगर खाते देख एसडीएम पीछे के रास्ते से निकल गए। फरीदाबाद की आगरा कैनल में व्यक्ति का शव मिला है, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एसएचओ ने बताया कि 72 घंटे तक शव को शिनाख्त के लिए रखा जाएगा और आसपास के चौकी थाने में भी सूचना दी जाएगी। सोशल मीडिया के माध्यम से भी मृतक के परिजनों के बारे में पता लगाया जाएगा। सरकी दादरी के बाबा स्वामी दयाल धाम पर पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें इलाके की खापे सामाजिक और कर्मचारी संगठन के पदाधिकारी शामिल हुए। फोगाट खाप के प्रधान का कहना है कि राकेश टिकेट पर किए गए हमले की उच्च स्तरीय बैठक जांच होनी चाहिए, हमले में शामिल लोगों को सख्त सजा दी जानी चाहिए। भवानी में अपनी मांगों को लेकर अनुबंधित स्वास्थ्य कर्मचारियों ने नागरिक अस्पताल परिसर में बैठक, नारेबाजी की और धरना भी दिया। नए ठेकेदार के टेंडर की कमान मिलने से कर्मचारियों में आक्रोश देखा जा रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि नया ठेकेदार नए कर्मचारियों को भर्ती करेगा। उनकी मांग है कि उन्हें ना हटाया जाए। पंजाब के बरनाल के गांव डिलमा में रहने वाले युवा किसान की हत्या किए जाने के मामले में बहादुरगढ़ पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया है और जल्दी आरोपी को गिरफ्तार भी कर लेगी। किसान की हत्या का आरोप इसके ही गांव के शख्स पर लगाया जा रहा है, जो कि अभी फरार बताया जा रहा है। आरोप है कि उसने शराब के नशे में आके इस वारदात को अंजाम दिया है। झज्जर में विवाहिता ने दहेज प्रताड़ना और पति के साथ हुई बदसलूकी के चलते अपनी ही जान गंवा दी है। आपको बता दें कि विवाहिता ने आत्महत्या कर ली है, 15 मार्च को ही उनकी शादी हुई थी। मृतका ने सुसाइड नोट में पति, जेठ, सास और ससुर को अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया है। पति का कहना है कि पिता का कहना है कि शादी के बाद से ही उसे दहेज के लिए परेशान किया जा रहा था। गुरुग्राम में ब्लाइंड मर्डर केस में खुलासा हुआ है। शुभम हत्या मामले में क्राइम ब्रांच ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। हत्या के मास्टरमाइंड ने आपसी रंजिश के चलते शुभम की हत्या की थी। कुरुक्षेत्र के शाहबाद उपमंडल में भाकी और दलित संगठनों द्वारा दलित महापंचायत का आयोजन किया गया। भाकी नेता गुरनाम सिंह ने कहा कि फिर से किसान करेंगे दिल्ली कूच। चुटनी ने कहा है कि जिस तरह से सरकार का विरोध कर रहे हैं, आंदोलन उसी प्रकार से चलेगा। बीजेपी नेताओं का जिस तरह से उनका विरोध चल रहा है, आगे भी उनका विरोध लगातार इसी तरह से जारी रहेगा। करनाल मार्केट कमेटी ऑफिस पर किसानों ने धरने में पहुंचे। डीसी और एसपी ने किसानों को आश्वासन देते हुए कहा कि सभी किसानों की गेहूं बिना किसी रोक टोक के खरीदी जाएगी और गेट पास सभी को मिलेगा। चौबीस घंटे में मंडी में ड्यूटी लगाने जो भी किसान मंडी में गेहूं लेकर आएगा उसको नहीं रोका जाएगा। बिना शेड्यूल के भी अगर किसान गेहूं लाएगा उसको भी गेट पास मिलेगा। महेंद्रगढ़ के गांव बवानिया की बेटी चंचल ने अपने देश के सबसे बड़े संस्थान रक्षक अनुसंधान एवं विकास संगठन में वैज्ञानिक बनने पर गांव के ग्रामीणों ने सम्मान समारोह आयोजित कर उन्हें सम्मानित किया। उन्होंने अपनी लगन व मेहनत के बदौलत यहां तक पहुंची है और विकास संगठन की परीक्षा पास कर वैज्ञानिक के पद को हासिल किया है।
फरीदाबाद के ककड़ीपुर गांव में दबंगों की दबंगई देखने को मिला है। दलित परिवार ने पंचायती जमीन पट्टी पर लेकर 7.5 एकड़ गेहूं की फसल बोई थी, लेकिन अब दबंगों ने दलित परिवार की फसल काट ली। गांव ककीपुर में धीरज ने कहा कि पिछले 2 साल से लगातार उस जमीन पर फसल बो रहे हैं और उसके ऊपर पंचायत के 2 लाख बकाए है, जिसका उसे नोटिस भी मिला है। विरोध करने पर उनके साथ मारपीट भी की गई है। गेहूं की खड़ी फसल को काटने के दौरान धीरज ने इस बात की सूचना पुलिस को दी। पानीपत में शनिवार को सीएम फ्लाइंग और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की और इस दौरान कई मेडिकल स्टोर संचालक अवैध रूप से दवाइयां बेच रहे थे। शिकायत पर करनाल से सीएम फ्लाइंग की टीम और पानीपत से स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम ने नानक मेडिकल, विनायक मेडिकल स्टोर और सेठी मेडिकोस पर कार्रवाई की है। जिन पर नशीली और प्रतिबंधित दवाइयां मिली हैं, इसके साथ ही कई मेडिकल स्टोरों को नोटिस दिए गए हैं, जिनके बाद उनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई होगी।